हाँ सर नमस्कार, YouTube चैनल निवेशर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि आम के पौधे में अक्सर देखा जाता है एक साल फल देने के बाद दो तीन साल के लिए फल रुक जाता है, फिर से देता है। और अक्सर और एक चीज़ देखा जाता है कि आम के जो पौधे रहते हैं ऐसे मोटा मोटा डाली ये सूख के ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। तो इसका कैसे इलाज कर सकते हैं पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आम के पौधे का पहला एक समस्या है कि पौधे का आपको जैसे तना दिख रहा होगा, ये तना देख सकते हैं कैसे फट गया है, फट के ऐसे छिलटा निकल गया है, जिससे यहाँ से ये पौधे का जो रस है वो निकलना चालू कर देता है, गोंद गोंद टाइप का जमा हो जाता है, जिससे पौधा खराब हो जाता है। और दूसरा भी एक चीज़ दिख रहा होगा, डाली एक जगह से दूसरे जगह छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। आप देखेंगे इस साइड से भी छोड़ दिया है, इस साइड से भी देख सकते हैं छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं इस साइड से भी छोड़ दिया है। पौधे के जितने भी तने हैं वहाँ से ज्वाइंट छोड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या होते हैं, पूरा एक ही समस्या है, इसमें कोई दूसरा समस्या नहीं है। तो दिखाते हैं दूसरा समस्या को। दूसरा एक समस्या है, पौधे के सूखे हुए डाली गिरते हैं, मतलब कच्चे डाली ऑटोमेटिक सूख सूख के गिर रहे हैं। तो इसका भी और उसका सेम ही कंडीशन है, पौधे में एक तरह का कीड़ा रहता है वही ऐसा करता है। दूसरा पौधे में जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे छेद टाइप का है, यहाँ से खून टाइप का, खून नहीं बोल सकते इसको, पौधे का खून ही बोलते हैं। तो इसका देख सकते हैं ऐसा गोंद निकलना चालू कर दिया है, ये भी कीड़ा का है। तो इसका दवाई बनाते हैं कैसे क्या डालना है। पौधा आपको अगर निरोग रखना है, ये दवाई आपको हर साल जैसे आम हार्वेस्ट हो गया या गर्मी के टाइम में ही कर देना है। ऐसा क्या है, आम हार्वेस्ट होते हैं तो बरसात गिर जाता है, वो अगर दवाई डालेंगे तो धो के निकल जाएगा, लाइफ टाइम बहुत टाइम रहता है दवाई। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक 10 रुपये का चूना ले लेना है, आपका जितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आपको ले लेना है। ये जो तंबाकू वगैरह में खाते हैं वही चूना है ये। जैसे देख सकते हैं आपने चूना ले लिया है। इसके बाद हमें चाहिए मोटर इंजन का जला हुआ ऑयल, किसी भी इंजन का जला हुआ ऑयल रहता है, मतलब ऑयल डालने के बाद जो जल जाता है काला हो जाता है वही ऑयल चाहिए। जितना चूना है उससे आधा लिया हुआ ये ऑयल, ये हाथ लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा गंदा होगा हाथ। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर डेटोल, डेटोल आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, डालना क्या, जैसे कुछ पौधे में अगर ज़्यादा ऐसा गोंद गोंद निकल गया है तो उस पौधे में डालना जरूरी है, अगर ये नहीं डालेंगे तो छोटा छोटा ग्रिप निकल के छलटा निकल के गिर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस पौधे में जैसे निकल रहा है ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप देख सकते हैं ऐसा निकलेगा, बड़ा बड़ा स्टेप बाई स्टेप निकलना चालू कर देगा। तो उसमें थोड़ा सा डेटोल डाल देते हैं, ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा इसे लिक्विड वाला ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर रुकेगा नहीं, इसे कम कम डालना है। देख सकते हैं बन गया है, जैसे बन गया है इसको अच्छे से मैं फेंट लिया हूँ। उसके बाद इसको डालना कैसे, जैसे यहाँ से डाली लिखना है, निकला है यहाँ से डाली, तो इसके नीचे नीचे से पूरा नीचे लगा देना है, अच्छे से लगा देना है इसको। ये छूटेगा नहीं, अगर एक दो दिन इसके ऊपर धूप गिरा, अगर बरसात नहीं गिरा तो ये छूटेगा नहीं, ये सालों साल चल जाएगा ऐसा। पूरे पौधे में नीचे तक लगा देने से क्योंकि अगर कोई कीड़ा रहेगा तो कीड़ा क्या करता है, हमेशा नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आएगा तभी ये खत्म हो जाएगा कीड़ा। या आप हर साल डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस साल डाले तो अगले साल नहीं डालना, इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। चाहे तो आप इसके जगह पौधे में कोई कलर वगैरह भी कर सकते, कलर कर देंगे तब पर भी नहीं होगा, कलर करेंगे तो एक दो साल चल जाएगा। जैसे हमने जला हुआ ऑयल लिया है और चूना लिया है, इसके साथ आप कोई भी कलर एशियन पेंट वगैरह कुछ भी मिला के एक साथ कर सकते हैं, 3-4 साल चला जाता है तब। तो इस तरह से अगर आप ये डाल देंगे तो पौधे में दोबारा से कभी भी ऐसे कीड़ा नहीं आएगा, हर साल अगर डालेंगे तो पौधे का डाली ना सूखेगा, पौधा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। इस पौधे में मैं हर साल डालता हूँ ऐसा। तो आप देख सकते हैं पौधा का तना कितना सुंदर ग्रोथफुल है और पौधा एकदम निरोग है, वो हर साल ऐसा कीड़ा वगैरह आता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा कीड़े का संक्रमण थोड़ा ज़्यादा रहता है,
ये जैसे मेरे हाथ में देख सकते हैं पूरा काला काला हो गया है। ये जैसे इसको पौधे में लगाएंगे तो इसको डीजल से धोना है, मैं डायरेक्ट पानी में डाल दिया हाथ इसलिए ये छूट नहीं रहा है, अभी इसको डीजल या पेट्रोल से धोना पड़ेगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिए जिससे आने वाले हर नए नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।